हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं चारकोल पेंसिल से। और आज का हमारा रेफरेंस फ़ोटो है ये, जो कि आश्रम भाई फ्रीज का एक सीन है। और इसको आज हम लोग ड्रॉ करेंगे चारकोल पेंसिल और चारकोल पाउडर का यूज़ करके। तो इसके लिए मैंने लिया है पेपर, ये 220 GSM का हाइब्रिड शीट है। और इसके बाद हमने लिया है चारकोल पाउडर, और ब्लेंडिंग करने के लिए ब्रशेस का यूज़ करेंगे हम। ब्लेंडिंग करने के लिए हमारे पास ये कुछ ब्रशेस और चारकोल पेंसिल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कैसा ड्रॉ होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसका आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है, जो ग्रिड मेथड यूज़ करके हमने किया था। और आज हम लोग इसका सेटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम डार्क एरिया को चारकोल पाउडर और ब्रश की मदद से फिल करेंगे। जहाँ भी स्ट्रोक लाइनिंग वाला है, वहाँ पे हम चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। दोस्तों, चारकोल पेंसिल हो या चारकोल पाउडर हो, ब्लेंडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट ब्रश ब्रश का इस्तेमाल करना ही होता है। ब्लेंडिंग स्टेम्प से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, बट उससे जो ब्लेंड किया जाता है काफ़ी हार्ड होता है वो। और जितना ही हम सॉफ्ट ब्रश से ब्लेंड करेंगे, उतना ही स्मूथ फिगर निकल के बाहर आता है। बियर्ड में हमने सबसे पहले ब्रश का यूज़ करके पूरा फिल कर दिया है, और उसमें हाईलाइट एरिया दिखाने के लिए हमने नीडे वाले इरेजर का यूज़ किया है, और चारकोल पेंसिल का यूज़ करके हमने उसमें लाइनिंग, जो भी बियर्ड का लाइनिंग है, उसको दिखाया है। इस फिगर में सबसे ज़्यादा मैंने ब्रश का यूज़ किया है ब्लेंडिंग करने के लिए। चारकोल पाउडर और ब्रश का यूज़ किया है। जो भी हाईलाइट एरिया है, उसके लिए हमने डबल इरेजर का यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। सबसे पहले हम छोटे ब्रश से डार्क एरिया को हाईलाइट करेंगे, उसके बाद उससे बड़े ब्रश से हम उसको मिक्स कर देंगे लाइटली। मेरा फिगर कुछ इस तरह से बना है। यदि आपके पास टाइम है तो आप और अच्छे से इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए हम इसको यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइए इसमें और क्या आगे हम सुधार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।